योगी सरकार का पहला साल कितना दमदार रहा? क्या बदलाव के नारे सिर्फ आसमान में चमके या फिर जमीन पर भी वो बदलाव नजर आया? योगी सरकार के पहले साल के दम की परीक्षा लेने के लिए इस वक्त एक दमदार पैनल मेरे साथ है। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की नेता और मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव, हमारे साथ योगी सरकार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर सतीश महाना है, और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की विधायक रायबरेली से अदिति सिंह हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, और हम इन्हीं से पूछेंगे कि योगी सरकार कितनी दमदार। हम योगी सरकार के इस एक साल पर बात करें उससे पहले, क्योंकि दो युवा महिला नेता मेरे साथ हैं, मेरा पहला सवाल सतीश जी आपसे नरेश अग्रवाल के उस बयान को लेकर है, महिला के ऊपर टिप्पणी की, कहीं आप आहत हुए उस बयान से? निश्चित रूप से वो टिप्पणी सर्वथा अनुचित है, और केवल आहत ही नहीं हुए, जिस समय मंच पर थे उसी समय हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करी थी। आदरणीय सुषमा जी कोई बात कहें, आदरणीय स्मृति जी कोई बात कहें, तो उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी इस बात में कोई संशय होना चाहिए कि हम उस बयान से किसी भी प्रकार से 100% असहमत है, ये तय है कि असहमत। खेत जताने से सतीश जी सोच बदल जाती है? देखिए, विषय यह है कि जहां पर रहे वर्षों से उसी भाषा का प्रयोग होता था, अब आए हैं, और जहां पर रहे वहां पर कभी उनको रोका नहीं गया, अब आए हैं तो स्वाभाविक रूप से मन और चिंतन परिवर्तित करके आए हैं, तो हम उसको उसी के अनुसार, हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी नीति है, हम उसी के अनुसार उनकी भाषा को बदलेंगे, संस्कृति में ढल जाएंगे। यानी वो गंगा है पार्टी जिसमें आकर सब पाप धुल जाते हैं? पाप धुल नहीं जाते, स्वाभाविक रूप से जिस समय हमारा नेतृत्व होगा गंगोत्री की तरीके से, अगर मोदी जी चलेंगे तो गंगा नीचे पवित्र ही होगी। अपना कटाक्ष आपकी पार्टी पर था, ये तो साफ हो गया होगा आपको। अगर ये बयान नरेश अग्रवाल आपकी पार्टी में होते हुए देते तो क्या समाजवादी पार्टी कोई कार्रवाई करती उन पर? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष ने अगर इस प्रकार की टिप्पणी करी है किसी भी महिला के लिए, तो एक महिला होने के नाते इसमें कोई राजतंत्र या राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस पार्टी में थे, किस पार्टी में चले गए। वो एक अच्छे आदमी है, और पर्सनली अगर उनको आप देखें तो एक वो फॉरवर्ड लुकिंग मैन है। भाई, उन्होंने अपनी बेटियों को, बहुओं को, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एंड एज सच जो उन्होंने ये टिप्पणी, ये अभद्र, जो मैं आ रही हूँ उस बात पे, अभद्र टिप्पणी जो करी वो गलत करी उन्होंने, और ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि हम स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करते हैं, हमें स्वच्छ बुद्धि मिशन पे भी काम करना चाहिए कि हमारी बुद्धि कैसे साफ होगी। इसमें कोई पार्टी विशेष के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम अपने आचरण को अगर शुद्ध करें तो वो सबके लिए लागू होता है। कई लोग हैं, कईयों के लिए लोग बोल रहे हैं, तो ये तो भाई महिलाओं पे एक तरह से आदमी ने ये सोच लिया कि भाई वो हमारी प्रॉपर्टी जैसे हैं, तो वो एक राजनीति से हटकर मुद्दा है। और मुझे ये लगता है कि वो आवेश में कह गए ये बात। ना, मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि आजम खान आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं, और जयप्रदा के बारे में इस तरह के बयान दिए। मैं उन बयानों पर नहीं आना चाहती, लेकिन उन पर अखिलेश यादव ने आज तक कभी कार्रवाई नहीं की। देखिए, ये तो हम तो मैं जब भी इस प्रकार का कभी भी कोई भी मुद्दा हुआ है, मैंने बड़ी मुखर रूप से रखा है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की अस्मिता पे किसी भी प्रकार का लांछन लगाना, ये कोई भी व्यक्ति गलत करता है। अगर करता है तो ये उसकी सोच परिचायक देती है। आजम खान साहब ने जया प्रदा जी के लिए ये जो कहा, ये भद्दी टिप्पणी थी। क्यों कहा? आवेश में कहते हैं, हमारी संस्कार में लिखा हुआ है, रामायण में भी लिखा है कि आवेश में आदमी को अपना मुंह ही नहीं दिखाई देता है। नारद को जब श्राप मिल गया था तो वो अपना मुंह नहीं देख पाया, और वो सोच रहा था कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, और सीता को वर करने चला गया। तो मुझे ये लगता है कि हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और हमारे जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात पे बोला है कि वो बहुत ज्यादा प्रो हैं विमेन के लिए, देखा भी है पूर्ववर्ती सरकार में आप लोगों ने, और सारे विकास के कार्य और महिलाओं के लिए जितने कार्य उन्होंने किए हैं वो सबको दिख रहा है, दिखा भी है। मुझे लगता है वो जरूर इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। अदिति, ये सोच पार्टी की है, व्यक्ति की है? देखिए, ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप नरेश अग्रवाल जी की बात करें तो भैया हमें तो इसे बाहर रखिए, वो सपा से गए भाजपा में, है ना? तो एज अ कांग्रेसी ऑल आई विल से इज आई एम वेरी हैप्पी भी रह चुके हैं वो। हाँ? आपकी पार्टी में भी रहे, पर अभी तो इधर से होना नहीं है, अभी तो इधर से इधर शिफ्ट हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में वापस भी आ जाए। अब फिर बहुत दैट वी विल सी दैट टाइम विल टेल। बट व्यक्तिगत लेवल पे जैसे अपर्णा जी ने अभी कहा है,
मैं उनकी एज अ पार्लियामेंटेरियन बहुत इज्जत करती हूं, उनकी परफॉर्मेंस हाउस में भी बहुत अच्छी रही है नरेश अग्रवाल जी की, राज्यसभा में भी, पर इस कमेंट से ऑब्वियसली एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते मुझे खुद बहुत, फर्स्टली आई कॉन्ट बिलीव इट कि ऐसे विद्वान आदमी के मुंह से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है, तो बेशक ये बहुत बुरी चीज है, ये बहुत ही, इनफैक्ट आई वॉज क्वाइट सरप्राइज की ऐसी आपने शायद उनके और बयान सुने नहीं है अदिति। और मैं एक बात याद दिला दूं, एक बात मैं जरूर कहूंगी सतीश जी, राज्यसभा की एक सीट के लिए क्या बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि वो साफ कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा बेटा बीजेपी के लिए वोट करे। इस समय वो बीजेपी में आ गए तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये बात कही होगी उनका बेटा बीजेपी के लिए वोट करेगा, और आज जिस समय वो बीजेपी में हैं तो बीजेपी के मंच के ऊपर भी अगर कोई बात कही जाती है, जैसे आपने पूछा, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर सभी, हमारी दोनों बहनों ने, बेटियों ने बहुत अच्छा बोला, अच्छी बात कही है कि इसका कोई भी समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर पहले मंचों के ऊपर बैठकर जिस प्रकार से बयान दिए जाते थे अगर उसका रोक दिया गया होता तो शायद वहीं रुक जाते। अब जो परंपरा चली आ रही थी उसको यहीं रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ेगी ये हम विश्वास, ये आप गारंटी दे रहे हैं कि आगे इस तरह का कोई बयान नहीं आएगा नरेश अग्रवाल, इस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं आएगा। चलिए मुझे मुझे एक चीज और बता दीजिए, लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि भगवान राम सीता माता का अपमान करने वाले या मजाक करने वाले नेता राम भक्तों के बीच करेंगे क्या, आप राम राज्य की बात करते हैं और ऐसे नेताओं को पार्टी में, राम राज्य की जिस समय और चलते हैं उस समय तो सारे लोग राम राज्य की तरफ, अगर अच्छी बात मिलती है तो अच्छे रास्ते के ऊपर चलना, जैसे मैंने कहा ना कि अगर मोदी जी की पवित्र गंगोत्री से निकली हुई गंगा अगर अपने अंतिम छोर तक पवित्रता के साथ रहना चाहती है तो जो बहुत सारे रास्ते अगर कोई गलत भी आते हैं तो उनको भी पवित्र कर देती है, तो उस पवित्रता के आधार के ऊपर हम अच्छी ओर चलेंगे। अगर कल तक कोई रास्ता भटका हुआ था और आज वो कहे कि नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बहुत अच्छे थे, मेरे को ध्यान में आ गया और मैं उस अनुरूप आचरण भी करूंगा, व्यवहार भी करूंगा और वैसे करूंगा, तो निश्चित रूप से उसको ये नहीं कहा जा सकता कि अगर तुम्हारे में आज अकल आई है तो हम तुम्हारे को छोड़ सकते हैं। वाल्मीकि जी भी पहले जिस रास्ते के ऊपर थे उस रास्ते को छोड़ के ऊपर उन्होंने रामायण लिखी थी, और उसी आधार के ऊपर जो भी आता है पवित्रता की ओर ही आगे बढ़े। चलिए ये तो, ये कम से कम आप ये तो कह रहे हैं कि अब अकल आ गई होगी इस बयान के बाद, वो इस तरह के बयान आगे नहीं देंगे, गारंटी तो आप ले रहे हैं, लेकिन उसका होगा क्या ये समय बताएगा। अपर्णा मुझे ये बताइए, हम एक साल योगी सरकार की बात कर रहे हैं, ये आपको लगता है कि एक बदलाव पिछले एक साल में महिला सुरक्षा को लेकर दिखाया, अखिलेश यादव कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण नहीं चाहिए, योगी सरकार में महिला सुरक्षीकरण चाहिए। पहले देखिए महिलाओं के लिए जितने भी कार्य हमने एज सपा सरकार ने करे थे इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गलत, कोई काम नहीं हुआ था, सब अच्छे काम हुए थे, चाहे वो 1090 पावर लाइन बनाई हो, चाहे वो सेंट्रल नंबर का सशक्तिकरण हुआ हो, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हुआ हो, वो सब अच्छे ही काम थे, ऐसा तो नहीं आप कहेंगे कि बुरा काम किया था। मुझे दूसरी बात ये भी कहनी है कि योगी जी जिस प्रकार से उनकी निष्ठा है, जिस प्रकार से उनका एक आचरण है, एक व्यवहार है, एक शिष्टाचार के साथ वो हर किसी से मिलते हैं, हर एक की बात सुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी निष्ठा पे, उनकी ईमानदारी पे, उनकी सोच पर मैं क्वेश्चन नहीं करती हूँ, दैट इज नॉट माय बोन ऑफ कंटेंशन। आपका बयान अखिलेश यादव को बहुत पसंद नहीं आएगा मुझे लगता है। नहीं देखिए ये व्यक्ति, मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ कि ये राजनीति हम कब तक जो है इस बात पे करते रहेंगे कि भाई ये फला पार्टी के हैं तो हम उनको जो है हमेशा उसी बात से गुरेज करते रहे कि जो है वो गंदे काम कर रहे हैं और हमने जो किया वो हम सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति अब 21वीं शताब्दी में नहीं चलेगी, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोल के गए कि लाल किले पे, वो तो मैं सच में उस मतलब व्यक्ति को सल्यूट करती हूँ, और आज से नहीं मैं करती आ रही हूँ कि उन्होंने जो बोला और करा उससे भारत के कई लोग और कई परिवारों में सोच बदली है बच्चियों की तरफ। आप मुझे हेडलाइन दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव की बहू सल्यूट कर रही है नरेंद्र मोदी को, तो इसमें क्या कह रही है, इसमें अगर कोई अच्छी बात कर रही है तो क्या की सरकार बढ़िया सरकार। मैं ये बात मैं आपसे देखिए, आपने बात पूछी तो मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यों की भी तारीफ करी, आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहती हूँ तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ, मेरा कहना बस इतना है कि जितना भी हमारा सरकार, ये जो देखिए सरकार आती है और फिर चली जाती है, ऐसा नहीं होता है कि भाई ये प्रजातंत्र है ना, हो सकता है कि भाई ये सरकार रहे, हो सकता है अगली बार ये सरकार ना रहे, तो सरकार तो भाई आती है निरंतरता में रहती है। बट हम अगर क्राइम रिकॉर्ड्स देखें, अगर हम एनसीआरबी के डाटा देखें, तो उसी बात पे हमारी ये सरकार जो आज की सरकार है, भाजपा सरकार आई थी तो उसमें यही बात कही गई थी कि विमेन क्राइम हम किस प्रकार से कम करें, उसकी तरफ जो एंटी रोमियो स्क्वाड था, अभी हाल ही के पेपर
पेपर्स में ये चीज बताई गई कि एंटी रोमियो स्क्वाड कहां चला गया, वेयर हैज दिस वैनिश्ड. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा एक अखबार जी से पूछ लेते हैं, अखबार कहां गए, अखबार बोल रहा था जिनकी बात इतनी चर्चाएं हुई थी शुरू में जब योगी सरकार आई थी, वो अब तो नजर नहीं आ रहे. देखिए नजर, जिस समय अपराध होता है किसी बेटी के साथ किसी बहन के साथ, तो उसकी वो अक्षम्य अपराध होता है और उसकी किसी भी प्रकार से हमेशा मतलब मजबूती के साथ निंदा करनी चाहिए. अपर्णा ने जो बात कही है मैं बहुत इसके प्रति मतलब अच्छे भाव रखता हूं पहले से भी, जो उसने आदरणीय योगी जी के लिए कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा. लेकिन पार्टी एज सच, जिससे मैं बात करता हूं, तो समाजवादी पार्टी में लड़कियों को सड़क के ऊपर निकलना मुश्किल हो गया था. हमीरपुर की घटना हुई थी, एक लड़की अगर सड़क के ऊपर जा रही थी तो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके ऊपर सड़क के ऊपर रोककर उसको मजबूर कर दिया कि उसने आत्महत्या करनी पड़ी. और एक ऐसी घटना नहीं है, कई इस प्रकार की घटनाएं थी. अगर उस समय ये सब कुछ सही हो गया था, अगर बुलंदशहर के अंतर्गत अगर हाईवे के ऊपर कुछ घटना हुई थी, अगर सही हो गया सतीश जी, तो एंटी रोमियो स्क्वाड हट गए. नहीं, एंटी रोमियो स्क्वाड की जहां पर आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस को जहां पर भी इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है और उनकी जानकारी में आता है या अदरवाइज ऑल्सो इस प्रकार की वो गश्त करते हैं, जहां कहीं भी उनके खिलाफ सख्ती करने के खिलाफ अगर कोई ईव टीजिंग करता है किसी बेटी के साथ किसी बहन के साथ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है और है भी, और उसमें सख्ती के साथ कार्रवाई करी गई. तो उसका भय तो है. देखिए सरकारें भय और इकबाल से चलती हैं. सरकार के लिए हर व्यक्ति हर स्थान के ऊपर रोज खड़ा उससे नहीं चलती. और जिस समय सरकार का इकबाल है और उन अपराधियों के मन के भय व्याप्त है, तो स्वाभाविक रूप से इनमें कमी आई है. और जिस समय इस प्रकार की कोई घटना संज्ञान में आती है तो जो हमारे पुलिस के अधिकारी और संबंधित लोग हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करते ही हैं. अदिति आपके बगल में खड़ी हैं. अदिति, आपके पिताजी बड़े नेता हैं, तो शायद बहुत से लोग आपसे डरते होंगे, लेकिन आपको लगता है एक आम लड़की सड़क पर उतरती है उत्तर प्रदेश में, तो आज उसे डर कम लगता है? जब मुझे डर लगता है, एक विधायक होके बाय गॉड्स ग्रेस आई बीन गिवन सो मच, जब मुझे डर लगता है तो आप एक सामान्य लड़की अगर स्ट्रीट पे चल रही है, और मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरी कजन्स वगैरह हैं, अभी इनफैक्ट बैकरूम में आपसे ही मेरी बात हुई थी, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ऑल ऑफ अस, अगर एक टाइम के बाद अंधेरा होने लगता है मेरे माँ बाप का फोन वहीं चालू हो जाता है कि कहाँ हो, कितने टाइम में घर आ रही हो. तो सामान्य लड़की की तो आप बात ही ना करिए. एक और चीज आई वॉन्ट टू एड टू इट, आज ही एक लीडिंग, हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, है ना, कितने ऐसे रेप केसेस हुए हैं जो जब लड़कियां शौच का यूज करना चाहती हैं, शौचालय जाना चाहती हैं, वहां उनके घर में शौचालय नहीं है, जो वो बाहर जाती हैं. आज ही एक लीडिंग न्यूज़पेपर में आया था कि बस इन लखनऊ इटसेल्फ 83 पुलिस नॉट जस्ट थानों में पर ऑफिसेज में, 83 ऑफिसेज में 40 समथिंग थानों में महिला शौचालय नहीं है, महिलाओं को मेल शौचालय मतलब पुरुषों के शौचालय का उपयोग करना पड़ता है. दिस इज द हालत ऑफ अ पुलिस. पर शौचालय के लिए तो बतौर बकायदा एक मुहिम शुरू हुई है, पूरी मुहिम लगनी चाहिए. स्वच्छ भारत अभियान दुनिया का सबसे महंगा अभियान है व्हेन इट कम्स टू स्वच्छता. तो कहां, मतलब ये तो आपके ऑफिस में नहीं है, ये तो यूपी उत्तर प्रदेश की राजधानी. अदिति को रायबरेली में डर लगता है, अपर्णा को क्या लखनऊ में डर लगता है? ये डरने की बात तो इसमें कोई भी नहीं है. अगर लड़की दबंग हो तो किसी से डर नहीं लगने की जरूरत है. इस पर तो मैं ताली बजाना चाहूंगी, है ना, इस पर तो मैं भी ताली बजाना चाहूंगी. देखिए लड़की अगर स्वच्छ मन से सड़क पर भी चल रही हो, मेरे साथ खुद घटना ऐसी हो चुकी है, जब मैं छोटी बच्ची थी मेरा लोगों ने पीछा करा, मैं लोरेटो कॉन्वेंट की छात्रा रही हूं और मैं पढ़कर आ रही थी, मेरे पीछे दो लड़के पड़े हुए थे. ये मेरी बात है, मैं इससे कोई मुझे कोई ये नहीं, मीटू करके आजकल बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव चल रहा है, मगर मैं डरी नहीं, मैंने गुम्बा उठाया और उसको मार दिया और फिर मैंने अपने फादर से कंप्लेन कराई. और मैं इससे कोई गुरेज ये भी नहीं रखना चाहती हूँ कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट ही वॉज द सन ऑफ सम मिनिस्टर जी, जो कि वो मुझे डरा रहा था. तो ऐसा कुछ नहीं है. देखिए डरने की बात ये है कि इसमें हम पुलिस कहाँ लेके आते हैं, वेयर आर वी ब्रिंगिंग इन द पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है इसमें? पॉलिटिक्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है. पॉलिटिकल विल है, राजनेताओं की विल है, मगर हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं? डीजीपी साहब हमारे बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चियां जो हैं बहुत सुरक्षित हैं, बहुत अच्छी हैं, तो इसमें तो अधिकारी की गलती है ना कि वो तैनात नहीं है. और अगर हम इस बात पे और भी जाएंगे तो मुझे लगता है इसका और विश्लेषण हमें करना पड़ेगा. माना जी, माना जी, अगर डर इतना रहेगा. अदिति डरती वरती किसी से नहीं है और ये मजबूत और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है. पॉलिटिकल कारण के कारण इसने कहा होगा कि मैं डरती हूं, लेकिन ये डरती वरती नहीं. ये दोनों लड़कियां आपको ना डरा दे सतीश जी. नहीं नहीं, सतीश जी आप बीच में खड़े हुए हैं, कहीं आप ही ना डर जाए इन दोनों से, आप ना डर जाए कहीं इन दोनों से. अरे हमारी दोनों बेटियां हैं. सतीश जी मुझे ये बताइए, अगर डर इतना रहेगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? कोई डर नहीं है जी. देखिए इशू ये है कि अब आज डर नहीं, जैसे मैंने आपको बोला ना सरकारें इकबाल से चलती हैं,
आज हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद हमने एक श्रम कानूनों के अंतर्गत परिवर्तन किया है, जिसमें हमने इस बात की छूट दी है जो लड़कियां आजकल की जिस प्रकार से मतलब पढ़ी लिखी हैं, साहसी हैं, विद्वान हैं, उनकी ये डिमांड थी हमारी सरकार के आने के बाद कि हमारे को जिस समय हम रात को नौकरी करने के लिए अगर लड़कों को इजाजत मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं इजाजत मिल सकती। अगर उनको सुरक्षित माहौल मिला तभी ये बात आई और वो हमने विधानसभा में पास किया है, जिसमें अदिति भी वहां पर विधानसभा में बैठी थी। तो उस समय जब ये बात अगर डिमांड आई है कि लड़कियों को भी रात में निकलने में अब कोई परेशानी नहीं है, हम सुरक्षित हैं, हमारे को इस बात का अधिकार दिया जाए कि हम रात में नौकरी कर सकते हैं, हम वो बिल लेकर आए और वो इसीलिए लेकर आए क्योंकि प्रदेश में एक माहौल है जिसके कारण लड़कियां भी ये कहने के लिए तैयार हैं कि हम साहसी हैं, हम ताकतवर हैं, हम किसी से भी नहीं डरते और कोई हमें डरा भी नहीं सकता, उस कारण से हम ये बिल लेकर आए। ये बिल परिवर्तन ही बहुत बड़ा इस बात का द्योतक है कि अब समाज में लड़कियों में भय नहीं जी है। उसी माहौल के चलते आपने इन्वेस्टमेंट की तो कई बातें कर दी, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि फैनफेयर तो बहुत था, ये फैशन शो की तरह था, लेकिन असल जमीन पर क्या हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है ये नहीं बता पाएगी ये सरकार। देखिए, अगर कोई विद्वान आदमी ये समझता है कि 15 दिन में जो MOU साइन हुआ है तो उस दिन में फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी और उसमें रोजगार मिल जाएगा तो शायद उसकी विद्वता के ऊपर मुझे बात करनी पड़ेगी कितने विद्वान हैं। लेकिन इस प्रकार का प्रयास क्या पहले किया गया क्या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए? उत्तर प्रदेश की जो असली छवि है, मैं इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के असली स्वरूप को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के बारे में ये नहीं मैसेज गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है। उत्तर प्रदेश के बारे में ये मैसेज नहीं गया कि हमारे पास वाटर रिसोर्सेस हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो चाहे हमारे पास सर्फेस वाटर हो। उत्तर प्रदेश के बारे में ये नहीं कहा गया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। उत्तर प्रदेश के बारे में यह नहीं कहा गया कि हमारे पास पिलग्रिम्स हैं, हमारे पास टूरिस्ट सेंटर हैं। उत्तर प्रदेश की जो छवि थी वो अपराध के कारण जानी जाती थी, जातिवाद के कारण जानी जाती थी, भ्रष्टाचार के कारण जानी जाती थी, लूट के कारण जानी जाती थी और मूर्तियों और पार्कों के नाते से जानी जाती थी। उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो करना चाहिए था विगत 15 वर्षों के अंतर्गत नहीं किया, वो अविश्वास का भाव को विश्वास में बदलने का काम, क्या अब उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित स्थान है, अब उत्तर प्रदेश में आप आइए, आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए हम आपके पास समन्वय करेंगे, हम आपका साथ सहयोग करेंगे, हम आपको साधन उपलब्ध कराएंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे और आपकी समृद्धि की कामना करेंगे, तब उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आ रही है। आप लोगों ने क्या किया 5 साल में? सब कुछ तो ये कर रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता कि अब इस बात पे जो आपने कहा है कि पहले कभी किसी ने इन्वेस्टर्स मीट कराई है कि नहीं, बट मुझे, मैं आपके संज्ञान में डालती हूँ, इसमें कोई अन्यथा लेने की बात नहीं कि ऐसे कई सरकारें कराती आई हैं और सबसे सर्वप्रथम जो यहाँ पे ये राज्य विकास परिषद का जो गठन हुआ वो माननीय नेताजी ने किया था जब इन्वेस्टर्स मीट कराई थी। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि राम प्रकाश गुप्ता जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब वो अनाउंसमेंट करके आए थे महाराष्ट्र में बॉम्बे में कि 75,000 करोड़ रुपए का हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गया है, और वो 75,000 करोड़ तो नहीं आए, उसके बाद हमारा उत्तरांचल भी टूट गया, तब नारायण दत्त तिवारी जी बने वहां के चीफ मिनिस्टर, उसके बाद वहां पर भी वो टैक्स जो आपका हॉलीडे स्कीम चला था उसमें उत्तर प्रदेश का आदमी हर चीज पे टैक्स रिबेट पाकर दैट यूपी का आदमी हैज बीन सेटल्ड इन नॉर्थ ईस्ट, बिहार, MP, महाराष्ट्र और अन्य जगहों पे, बट यूपी में नहीं। सिडकुल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस तरीके की इन्वेस्टर्स मीट का कि सिडकुल में जो हरिद्वार में है वहां पे सिवाय जो है बाहर के लोगों के सिवा उत्तरांचल का एक भी आदमी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक हमें समझने की सकारात्मक पहल जरूर है। अच्छी बात है कि हम जो है यहाँ पर लोगों को बुला रहे हैं, उनको हम ये इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज कर रहे हैं कि भाई यूपी इज अ प्लेस वेयर यू कैन इनकरेज एंड इन्वेस्ट एंड देयर आर बहुत सारी संभावनाएं हमारे प्रदेश में, पर जो है इसकी परफॉर्मेंस जो होगी, जो एबिलिटी हम इसकी चेक करेंगे वो तभी हम चेक कर सकते हैं जब हमारे अधिकारी, मैं बार बार इस पॉइंट पे आ रही हूँ कि राजनेताओं की विल तो है पर अधिकारी कितना ज्यादा इसको परिलक्षित रूप से जो है सामने रखेंगे। नहीं, बहुत आसान नहीं है, MOU सब कुछ आप अधिकारी पर डाल दें, राजनेता को आप मेरी बात नहीं, आप मेरी बात बताइए, आप एक पत्रकार हैं, आपने कितनी रिपोर्ट्स, मैंने पढ़ी है, मैं तो न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़ती हूँ, देर आर एवरी डे देर आर रिपोर्ट्स कि आज के जो अधिकारी हैं वो, छोड़ दीजिए सपा बसपा कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के पार्षदों की, बीजेपी के लोगों की, कार्यकर्ताओं की अधिकारी बात नहीं सुन रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अधिकारी जो है भय मुक्त नहीं, भय युक्त करना चाहते हैं सारी जनता को। तो हम चाहते हैं कि आप हैं और भी लोग हैं, मेरा तो यही कहना है। कह रही है कि बीजेपी की सरकार में अधिकारी बात नहीं सुन रहे, बात नहीं सरकार में सुनते थे,
देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, दिस इज द फॉल्ट ऑफ द मशीनरी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर सोशल रिफॉर्म्स ओवर हियर. मैं राजनीति के बारे में नहीं, बट मैं यहाँ पर ये बात करने आई हूँ कि ऑफिसर्स आर नॉट लिसनिंग. ये हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि क्यों नहीं सुन रहे हैं वो लोग आपकी बात. अगर भाई मेरे को कोई काम है तो कल को नेता के पास ही तो मैं जाऊंगी. सतीश जी, योगी जी ने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसके लिए इस तंत्र में जगह नहीं है. उन्होंने किसकी बात की, अधिकारियों की बात की या फिर राजनेताओं का भी नंबर लगेगा? जो भी जो मतलब जो होता है, जो मैं डिफ्रेंशिएटिंग किया था, जिस समय सरकार का ये मिशन है कि हमने डिलीवर करना है, हमने काम करना है. मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जैसे आपने इन्वेस्टर समिट की बात करी, तो 15 सालों में मेरे को भी लगभग 28 साल हो गए विधानसभा में. पिछले 15 सालों में 3 इन्वेस्टर्स मीट जिसको कहा जाता है, उससे बड़े रोड शोस हम उन्हीं हॉल्स में कर कराएं जहां पर इन्होंने इन्वेस्टर मीट करी. अभी वाला जो इन्वेस्टर समिट हमने किया, हमने 22 सेक्टोरियल सेशंस रखे थे जिसमें भारत सरकार के मंत्री भी थे और उसके ऊपर हमने जो उसके टॉकिंग पॉइंट्स थे, जो उसके की नोट स्पीकर थे, उन लोगों को भी बुलाया था. एक पर्पजफुल हो इवेंट, और उस इवेंट को केवल इवेंट तक लिमिटेड ना रखे, ग्राउंड रियलिटी में बदलने का काम हम उसमें करेंगे. एक बात तो ये है. और जहां तक बात है जिसे मैं अधिकारियों के काम करने की और ना करने की, अपर्णा ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अगर सरकार का मुखिया अगर योगी आदित्यनाथ होगा तो किसी अधिकारी की हैसियत होगी कि सरकार के अनुसार काम नहीं करेगा. अगर देश के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे तो वही तो ब्यूरोक्रेसी पहले भी थी. जिस समय यूपीए की सरकार थी, सारे के सारे भ्रष्टाचार करने वाले तो वही लोग थे. जिस समय मोदी जी आ गए, उसके बाद लगभग 5 वर्ष पूरे होने को आ जाएंगे अगले साल तक, तो एक भी किसी ने कहा कि अधिकारी तो वही थे. लेकिन जिस समय मुखिया ठीक होगा, उस समय सारे के सारे नीचे लोगों को काम करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती. सतीश जी, मुझे एक बात बताइए, आप कानपुर कैंट से आते हैं, आपको अच्छी तरह याद होगा कि यूपी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने गंगा सफाई का क्या संकल्प लिया था. आप कानपुर से आते हैं, वहां पर जो चमड़े की फैक्ट्रियां हैं उनका किस तरह का रसायन गंगा में गिर रहा है. मैं मानूं एक साल में गंगा सफाई की तरफ कदम बढ़ा है कुछ? निश्चित रूप से बढ़ा है. देखिए, गंगा क्लीन गंगा मिशन के अंतर्गत भी बढ़ा है, और जो हमारे पास एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं थे, हमने उनको शुरू कर दिया है. और उनको शुरू करने के वो अलग अलग कंप्लीशन स्टेज के ऊपर हैं. जो एक पुराना 136 एबल्डी का जाजमुख के अंतर्गत प्लांट बना हुआ था, वो भी पूरी की तरह डिफंक्ट था, उसको हमने चालू किया है. तो गंगा सफाई के अंतर्गत जिस भी प्रकार की आवश्यकता है, गंगा को किनारे साफ करने की एक जागरूकता अभियान के माध्यम से जिस समय सोशली और सोसाइटी जिस समय आगे बढ़कर आती है, उस समय हमारे को उसमें बहुत मदद मिलती है. और इस समय सोसाइटी में इस प्रकार का चिंतन है, इस प्रकार की जागरूकता है, उस नाते से वे आ रहे हैं. और सरकार के द्वारा भी जो भी योजनाएं हैं इसका ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने के लिए, चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे कमर्शियल हो, चाहे स्वच्छ गंगा में डुबकी लगाएंगे श्रद्धालु, जो बात सतीश जी कह रहे हैं, स्वच्छ गंगा में डुबकी लगाएंगे श्रद्धालु इस बार? लगाएंगे, गंदी में तो लगा ही नहीं सकते, स्वच्छ में लगभग का लगाएंगे. बट आई विल कमेंट ऑन द इन्वेस्टर समिट दो, जो अभी महाना जी ने आपके नेतृत्व में ऑर्गेनाइज हुई थी. देखिए, हर चीज पार्टी लाइंस में नहीं होती है, एंड खासतौर से एक साल पहले हम विधायक बने हैं, सरकार बनी है, और अपने चुनाव से पहले मैं हमेशा इस चीज को कहती थी कि नॉट एवरीथिंग इज डिवाइडेड अमंग पार्टी लाइंस. जब विकास की बात होती है, वी हैव टू लुक एट अबव पार्टी लाइंस. तो इस चीज में मैं महाना जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी. एंड